मजे के दीवाने हैं, अब तो सब ही खाते हैं, बेक पार्लर सब ही खाते हैं। बेक पार्लर इटालियन रेंज स्पेगेटी बनाओ राज के खाओ, मैक्रोनी का भी मजा उड़ाओ, स्पेगेटी मैकरोनी और लज़ानिया की मजेदार वैरायटी, बेक पार्लर अब तो सभी खाते हैं। बेक पार्लर रंगीन खुशबूदार सेवइयां, बेक पार्लर अब तो सभी खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, महबूब खान आपके फेवरेट कुकिंग शो बेक पार्लर अब तो सभी खाते हैं के साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज़ से, फनकारों से करवाते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही नोन और मशहूर फनकार से करवाएंगे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अयूब खोसो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसा लगा आपको हमारा किचन? बहुत ही मजे का, बहुत ही अच्छा, और पकने से पहले ही खुशबू आनी शुरू हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपसे एक सवाल, खाने का ज्यादा शौक है या पकाने का भी शौक है? कुछ दोनों ही। क्या खाना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले फिश। अच्छा, सबसे पहले फिश। अच्छा, फिश वैसे प्रोग्राम में इसमें हमारी जो मैंने रेसिपी सिलेक्ट की है वो भी जल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी बहुत है, बड़ी मशहूर है लाहौरी फ्राइड फिश, बहुत जबरदस्त। स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लेंगे ये फिश, मतलब लो कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रोटीन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और ये फिश मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल है, सुआ फिश बोलते हैं इसको उर्दू में, और इंग्लिश में इसको बैक्टी बोलते हैं। ये बोनलेस फिले, इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं है, ये ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स का फिले है, और इसको हम सेंटर में से दो पीस कर लेंगे। मुझे भी सीखने का मौका दें, मैं भी देखता रहूं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ईजी, ये इतना मुश्किल काम है ही नहीं। अच्छा जी, एक बॉल ले लेंगे और इसमें अब हम लेंगे मैदा, ऑलमोस्ट 3 teaspoons फुल, 4 teaspoon हम डालेंगे इसमें बेसन, ज़ीरा डालेंगे इसमें हम 1/2 teaspoon ऑलमोस्ट, ठीक है, और दो किस्म की हम इसमें मिर्चें डाल रहे हैं। ये मिर्च वैसे कॉमन नहीं है, कुछ अरसे पहले मुझे पता लगी थी इसको देगी मिर्च बोलते हैं, तो ये इसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon, और 1/2 teaspoon इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च, ठीक है जी, डाल दिया, और 1/2 teaspoon इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। अजवाइन फिश के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बनता है, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon, और 1 teaspoon इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन, और 1/2 teaspoon डालेंगे हम इसमें नमक। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर, कुकिंग ऑयल 2 tablespoons, और एक लेमन इसमें पूरा डाल देंगे। अब इसमें हम डाल लेंगे 2 हरी मिर्चें, फाइन चॉप की हुई, और ये थोड़ा सा हमने जिंजर ले लिया, और इसको भी हम थोड़ा सा चॉप कर देंगे। ये भी जाएगा सब इसमें? बिल्कुल, सारा का सारा। और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, अंडा अंडा, और मेरे ख्याल में से पूरा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा पेस्ट बन जाए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ये फिश के दोनों फिले हम ले लेंगे, और इनमें हम इनको अच्छी तरीके से इनका बैटर लगा के
इसका मैरिनेशन का टाइम ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा है। फिश को आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए और मेरे ख्याल में से अच्छे तरीके से इसमें फ्लेवर भी डेवलप हो गए और तेल भी गर्म हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है और अब इनको हम डीप फ्राई करते हैं। अब इसको हम निकाल के ऑयल में रख देंगे। ठीक है हुआ। फिश अब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट हैं। हाँ। तो अब इसके साथ एक पैन हम ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ठीक। 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन गार्लिक। वाह। और थोड़ा सा इसको हमने फ्राई किया और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी क्यों? इसमें पास्ता पकाएंगे, थोड़ा सा हमें ज़रा सॉस सा चाहिए। ओके। और ड्राई नहीं चाहिए। ओके। और इसमें हम डालेंगे इमली का पेस्ट। हाँ हाँ हाँ। 3 टीस्पून। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक। और डालेंगे इसमें हम चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। और ठीक। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ये देगी मिर्च। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बड़ी कलरफुल सी हम चिलीज लेके आए हैं। और ये हम इसमें हरी मिर्चें भी 1-2-3 डाल दें, थोड़ा ज़रा पास्ता भी ज़रा स्पाइसी हो जाए। और थोड़ा सा हम इसमें जिंजर, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अच्छा। ये सब का सब इसमें आ जाएगा और ये पकता रहेगा साथ साथ। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जी। अच्छा, ये हमने शेल पास्ता इसके लिए ले रहे हैं। पहले से पानी में इसको हमने बॉईल किया तकरीबन 5 मिनट। हाँ, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। जी जी। और थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि चिपके नहीं। चिपके नहीं। इन द मीन टाइम चिपके नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो। जी बिल्कुल। फिश तैयार। फिश को हम निकाल लेंगे एक किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। ठीक है। जी बिल्कुल। और ये आ गई फिश और ये पास्ता भी हमारा रेडी है। बिकॉज इसमें क्या बात है, देखा हर मजे का ना। हाँ। अब इसको हम सर्व करेंगे एक प्लेट पे और बिल्कुल सेंटर में हम इसका सारा पास्ता निकाल लेंगे। ये इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और थोड़ा सा ऊपर से काली मिर्च फ्रेश। वाह। क्रश की भी। वाह। लाहौरी फ्राइड फिश विद मैक्रोनी के लिए आपको अज्जा दरकार है। सोहा फिश 150 ग्राम, मैदा 3 टीस्पून, बेसन 4 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून, लीमू 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक बारीक कटी हुई 1 टीस्पून, अंडा 1 अदद और पानी थोड़ा सा। पास्ता बनाने के लिए आपको अज्जा दरकार है लहसुन 1 टीस्पून, पानी थोड़ा सा, इमली का पेस्ट 3 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, देखी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कलर चिली 2 टीस्पून, हरी मिर्च 2 टीस्पून, अदरक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून और बेक पार्लर शेल पास्ता मैक्रोनी 150 ग्राम। और अब